नमस्कार, चुनावी चकल्लस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। भाई, चुनाव हो और चकल्लस ना हो, ये कैसे हो सकता है? मैदान सज चुके हैं, मंच सज चुके हैं, तो चुनावी चौपालों पर चकल्लस भी तेज हो गई है। गंभीरता में हास्य खोजना भी एक विद्या है और यूपी वालों का तो कोई मुकाबला नहीं है। ठेठ देसी अंदाज में सच्ची बात कहना कोई भाई यूपी के लोगों से सीखे। शब्दों से मानने में तो यूपी वाले बाहर हैं और अब इलेक्शन आए हैं तो नेताजी की खिंचाई तो जरूर होगी। तो सुनते हैं चौपाल के तराने और सियासी निशाने। तो भाई, यहाँ तंज भी है और तेवर भी, लेकिन अंदाज जरा अलहदा है। निशाने पर सब है लेकिन नजरिया इनके शब्दों में झलक रहा है। बारिश के बाद ठंड फिर से लौट आई, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी जा रही है। कवि के पास भाई शब्दों की कहाँ कमी होती है, बस मौका मिलना चाहिए और फिर माहौल बनाने में कहाँ देर लगती है। आप भी करिए वाह वाह। जरा मौसम बदलता है के हमसे रूठ जाती है, पकड़ से इनकी गिट्टी और मिट्टी छूट जाती है। देखिए, फिर से मैं किसी भी सरकार और किसी भी अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ पे शिकायत है वो वहीं पे दोष आरोपण कर रहा हूँ कि हमारे गांव की सड़कों की ये आदत अजब सी है, हमारे गांव की सड़कों की ये आदत अजब सी है। बनेंगी साल में बरसात में एक टूट जाती है, बनेंगी साल में बरसात में एक टूट जाती है। और एक छोटा सा मुक्तक कि बताने को बता दे हम छिपा है क्या हिजाबों में, बताने को बता दे हम छिपा है क्या हिजाबों में, किसका हाथ शामिल है गरीबों के अजाबों में, कि किसका हाथ शामिल है गरीबों के अजाबों में। मगर देखिए, मैं सरकार का कितना सम्मान करता हूँ, मगर सरकार ने फरमान जारी कर दिया हमरा, मगर सरकार ने फरमान जारी कर दिया हमरा, तुम्हें बस वो ही पढ़ना है जो लिखा है किताब में, तुम्हें बस वो ही पढ़ना है जो लिखा है किताबों में। और एक चार लाइनें और कि दरे महबूब से लेकर राशन तनस्तर तक बदल जाती है कितनी जिंदगी कालिद से दफ्तर तक, दरे महबूब से लेकर राशन तनस्तर तक बदल जाती है कितनी जिंदगी कालिद से दफ्तर तक। और देखिए फिर सरकार मेरी बात से नाराज ना हो, बाबू मेरी बात से नाराज ना हो कि रफ्तार अपनी अर्जियों की क्या बताएं हम, रफ्तार अपनी अर्जियों की क्या बताएं हम, कितने साल में पहुंची है ये बाबू से अफसर तक, कितने साल में पहुंची है ये बाबू से अफसर तक। और देखिए, अब एक सीखने की चीज आप लोगों को मिलेगी कि इरादे पूरे करने में झिझक कोई नहीं रखती, इरादे पूरे करने में झिझक कोई नहीं रखती, सियासत हाथ में दे देती है बच्चों के पत्तर तक। खाकी अखबार वकालत मुल्ला पंडित और खादी, इन सब लोगों ने मिलकर इस देश की नाव डुबा दी। खाकी अखबार वकालत मुल्ला पंडित और खादी, इन सब लोगों ने मिलकर इस देश की नाव डुबा दी। कुर्सी इनकी पूजा, कुर्सी इनका मजहब, कुर्सी इनकी पूजा, कुर्सी इनका मजहब, ये लाशों के व्यापारी
क्या देश से इनको मतलब, ये लाशों के व्यापारी, क्या देश से इनको मतलब, इनके चंगुल में फंस कर हर पल सिद्ध की आजादी। इन सब लोगों ने मिलकर इस देश की नाव डुबा दी। कोई ऐसा करे तो जश्न मनाएंगे, दश नेत्रे तो जश्न मनाएंगे, और पेट नहीं भरता नेताओं का खाने से, कोई चारा चरे तो जश्न मनाएंगे। आज के नेता हैं देखो कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के, और कष्टी दुबो के नेता ये ने कहा इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सच के मुंह पर क्यों है ताला पता चले, कौन है भोला कौन है भाला पता चले, और सोच रहा हूँ नेता बन ही जाऊं मैं, सोच रहा हूँ नेता बन ही जाऊं मैं, कैसे होता है घोटाला पता चले, कैसे होता है घोटाला पता चले। चार पंक्तियों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, हास्य की आनंद लीजिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा कि हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें, भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें, हादसों की जद में क्या मुस्कुराना छोड़ दें, भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें, और मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, अन्ना के कहने से क्या इसको खाना छोड़ दें। जादू नहीं कोई इसे जनता का प्यार कहो, कुर्सी को पाके मद से ना इतराना तुम, खुशहाली लाने है तो करना प्रयास खूब, वादे जो किए हैं उन्हें हंस के निभाना तुम, छोड़ सारे भेदभाव जाति धर्म के दुराओ, हो सके तो सबको ही गले से लगाना तुम, और यही आसमान से जमीन पर खींच लाती यह जनता है इसे भूल मत जाना तुम। कैसे बढ़े अपराध कैसे बढ़े उग्रवाद, कैसे बढ़े अपराध कैसे बढ़ा उग्रवाद, इसे कभी मन से विचारा नहीं तुमने, सरकार की ही ओर ताकते रहे हो सदा, कभी जन शक्ति को पुकारा नहीं तुमने, हार पहनाए तुमने ही अपराधियों को, मद मत का भी मद मारा नहीं तुमने, कायरों से जीते रहे आंसुओं को पीते रहे, बेईमान गद्दी से उतारा नहीं, अपने तेवर कि न सोने से न हीरे के नगीने से लिखी जाती, नहीं मदमस्त होकर जाम पीने से लिखी जाती सचिन जी, और कहानी जिंदगी की जब लिखी जाती मेरे यारो, तो वो हर बार मेहनत के पसीने से लिखी जाती। जहाँ जाते मोदी जी वो वातावरण मोदी में हो जाता है, जैसे कृष्ण भगवान कृष्ण में हो जाता था कि मोदी को युग अब आए गयो रे मोदी बोलो भैया, मोदी ने सब लो भाई लियो रे मोदी बोलो भैया, कि बचपन संघर्ष सो में बीता, बचपन संघर्ष सो में बीता, सदकर्मों से सब का दिल जीता, और आरएसएस ने उन्हें बुलाई लियो रे मोदी बोलो भैया, और जब से वो सत्ता में आए देश के बिगड़े काम बनाए, और स्वच्छ भारत बनाए दियो रे मोदी बोलो भैया, स्वच्छ भारत बनाए दियो रे मोदी बोलो भैया, ओबामा को देश में लाए बहुत से छूटे काम कराए, और विदेशों में डंका बजाए दियो रे मोदी बोलो भैया। अंतिम कह रहा हूँ, है तो बहुत लेकिन चूंकि समय की सीमा है, कि नई करेंसी मोदी ने बनाई, नई करेंसी मोदी ने बनाई, आतंकवादियों पर गाज गिराई, आतंकवादियों पर गाज गिराई, और पाक को सबक सिखाए दियो रे मोदी बोलो भैया, पाक को सबक सिखाए दियो रे मोदी बोलो भैया। भाई सियासी वादों के क्या कहने, हर 5 साल बाद नेताओं की जुबान पर आ जाते हैं, अब इनकी जुबान पर जो आ रहा है वो भी कुछ कम खास नहीं है, हलक से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि सुनने वाला घायल हुए बिना नहीं रह सकता। नेतागिरी पर इनका नजरिया निराला है,
कुर्सी वालों के किस्से ये कवि महोदय बता रहे हैं। सच से सना इनका ठेठ अंदाज देखिए, ठहाके लगाए बिना रह नहीं पाएंगे। चुनाव आ गया है, जब जब चुनाव आता है हमारे बीच से जिन्हें हम चुन करके वोट दे करके अपना बेशकीमती वोट दे करके जिनको हम भेजते हैं, वो वादा तो बहुत करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं हैं, वादा करके वादा भूल जाते हैं। अब की जनता उनको सबक सिखाएगी, अब की प्रदेश की जनता क्या सोचती है। आइए, मैं सुरेश कुशवाहा भोजपुरी गायक, अपने गाने के माध्यम से मैं इनके जनता क्या सोचती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबको बताना अब की, सबको बताना अब की, सबको सुनाना है आ गया समय अब की, सबक सिखाना है आ गया समय, सबको सबक सिखाना है आ गया समय अब की, सबक सिखाना है सबको बताना अब की, सबको बताना अब की, सबको सिखाना है आ गया समय अब की, सबक सिखाना है आ गया समय अब की, सबक सिखाना है। ए करते हैं वादा लेकिन वादा ना निभाते, करते हैं वादा लेकिन वादा ना निभाते, आता है चुनाव फिर बातें बनाते, ऐसे बातूनियों के, ऐसे बातूनियों के बात में नया ना है आ गया चुनाव फिर सबक सिखाना है, आ गया चुनाव अब की सबक सिखाना है, अब की बातूनियों के, अब की बातूनियों के बात में नया ना है आ गया चुनाव में अब की बातन सिखाना है, आ गया चुनाव अब की सबक सिखाना है। और इनकी पहचान क्या है, भोली भाली जनता को कैसे ठगते हैं इस गाने की इस लाइन के माध्यम से देखें। चोरी दलाली भ्रष्टाचार इनका सान हो, ए चोरी दलाली भ्रष्टाचार इनका सान हो, धोखाधड़ी गुंडागर्दी इनका पहचान हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के, ऐसे भ्रष्टाचारियों के बात में नया ना है आ गया चुनाव फिर सबक सिखाना है, आ गया चुनाव अब की सबक सिखाना है, ऐसे भ्रष्टाचारियों के, ऐसे भ्रष्टाचारियों के बात में नया ना है आ गया चुनाव अब की सबक सिखाना है, आ गया चुनाव अब की सबक सिखाना है। दल बदलू घूमे बनाई के ठाट हो, घूमे दल बदलू अपन बनाई के ठाट हो, कोठे ऊपर तबला बाजे, कोठे ऊपर तबला बाजे, कोठे ऊपर तबला बाजे मारे धोबिया पाट हो, हे भैया ऐसे बहु रूपियों के, ऐसे बहु रूपियों के बात में नया ना है आ गया चुनाव आपकी सबक सिखाना है,
आ गया चुनाव अब की सबका सिखाना है सबको बताना भैया सबको बताना भैया सबको जगाना है आ गया चुनाव अब की सबका सिखाना 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 है और नेताओं के कितने रूप रहते हैं आप लोग इस गाने के माध्यम से सुनिए और जो लोग घर में अपने बैठे टेलीविजन देख रहे हैं आप लोग विचार भी करिएगा गौर भी करिएगा और वहीं से ताली भी बजाइएगा अरे अब तो चुनाव बोले काव काव नेता जी अरे अब तो चुनाव बोले काव काव नेता जी अरे शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी अब तो चुनाव बोले काव काव नेता जी अब के चुनाव घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी अरे अरे पांच साल बीत गए मिला नहीं दर्शन पांच साल बीत गए मिला नहीं दर्शन अरे हर दम अभी हम अले नहीं बरसन ए वादा करके गए लेकिन अले नहीं बरसन अरे अब ते चुनाव पर अरे पाव पाव नेता जी अरे अब ते चुनाव पड़े सबके पाव नेता जी अरे अब ते चुनाव पड़े सबके पाव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी अब ते चुनाव पड़े पाव पाव नेता अरे अब ते चुनाव पड़े पाव पाव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी और नेताजी सोचते हैं कि हम ही होशियार बानी लेकिन लालधर बाबू अरे जनता जागरूक भई चली ना बहाना है अरे जनता जागरूक भई चली ना बहाना अरे ऐसे अवसरवादियों के बात में नया ना अरे ऐसे अवसरवादियों के बात में नया ना अरे सबक सिखाना उल्टा अरे सबक सिखाना उल्टा पाव भाग नेता जी अरे सबक सिखाना उल्टा सबक सिखाना उल्टा पाव भाग नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता जी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेता सबक सिखाना घूमे गांव गांव अरे सबका सिखाना उल्टा पाओ भागे नेताजी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी शहर के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी और अब चुनाव में जो सबसे बड़ी विकृति पैदा हो गई है जाति धर्म पैसा साड़ी दारू मुर्गा अब इसके चक्कर में नहीं आना है पब्लिक को जागरूक रहना है लाठी लेकर के अपने वोट को रखाना है नहीं तो फिर बहुरूपी आपको लूट करके लेके चले जाएंगे इसलिए कहना है दारू शराब मुर्गा चाहे बाटे नोट हो अरे दारू शराब मुर्गा चाहे बाटे नोट हो अरे जाति धर्म मजहब देवे ना ही वोट हो अरे दारू शराब मुर्गा चाहे बाटे नोट हो जाति धर्म मजहब पर देना नहीं वोट हो जाति धर्म मजहब पर देना नहीं वोट हो अपने लोकतंत्र को
और सुरेश कुशवाहा का क्या कहना है, अरे अपने लोकतंत्र को बचा के रखने ताजी। मेरा विनम्र निवेदन है राजनीतिक लोगों से कि अरे अपने लोकतंत्र को बचा के रखने ताजी, सहारा के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी, सहारा के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी, सहारा के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी, अपने लोकतंत्र के बचा के रखने ताजी, अपने लोकतंत्र के बचा के रखने ताजी, सहारा के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी, सहारा के छोड़ घूमे गांव गांव नेताजी, आवता चुनाव बोले गांव गांव नेताजी, आवता चुनाव बोले गांव गांव नेताजी, सहारा कचोरी घूमे 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 गांव गांव नेताजी।